हेलो दोस्तों, मैं हूं DRX आशिक इलाही और आप देख रहे हैं ट्रू मेडिकल। आज हम रिव्यू करेंगे लियोफोन टैबलेट के ऊपर। इस टैबलेट के बेनिफिट, साइड इफ़ेक्ट, डोज कैसे लेनी है और किन किन बातों का ध्यान रखना है, कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि हम सभी मेडिसिन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लियोफोन टैबलेट सन फार्मास्यूटिकल कंपनी के द्वारा बनाई जाती है और 10 टैबलेट की स्ट्रिप होती है। MRP इस टैबलेट का 112 रुपये के करीब होता है और इसके अंदर एक साल्ट होता है बैक्लोफेन, जो कि 10 mg में होता है। अब बात करते हैं इसके कुछ बेनिफिट के बारे में। लियोफोन टैबलेट को हम मसल्स को रिलैक्स करने के लिए यूज़ करते हैं। मसल्स को रिलैक्स करने में लियोफोन टैबलेट का काफ़ी कमाल का रिजल्ट होता है। ये मसल्स के सिम्टम्स को भी अच्छे तरीके से ठीक कर देती है। मसल सिम्टम्स मतलब जैसे कि रेजिडिटी मतलब कठोरता, टेंशन, ये मसल सिम्टम्स होते हैं और ये सिम्टम्स कई तरीके से आ सकते हैं, जैसे सेरिब्रल पैल्सी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मोटर न्यूटॉन डिसीज, या फिर कोई हेड इंजरी, या फिर कोई ब्रेन स्पाइन, इस तरह की कंडीशन में सिम्टम्स आ जाते हैं। तो लियोफोन टैबलेट ऐसी सभी कंडीशन को ठीक करके मसल्स को बहुत ज़्यादा रिलैक्स कर देती है। और इसके अलावा इसे कॉमनली हिचकी बंद करने पर भी यूज़ करते हैं। किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा हिचकी आती है, एक मिनट के अंदर कहीं कहीं बार आ जाती है, तो उन लोगों के लिए भी लियोफोन टैबलेट बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। तो ये थे इसके कुछ बेनिफिट। अब बात करते हैं डोज के बारे में। एक्यूरेट डोज पेशेंट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है, तो आप अपनी मर्ज़ी से डोज ना लें, डोज के बारे में किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो ये थे इसकी कुछ डोज। अब बात करते हैं प्रिकॉशंस यानी सावधानियाँ। किसी भी मेडिसिन को यूज़ करने से पहले एक बार उसकी एक्सपायरी चेक कर ले और इस टैबलेट की कभी भी ओवरडोज ना ले। इसके अलावा प्रेग्नेंट और ब्रेस्टफीडिंग लेडी भी इस टैबलेट को डॉक्टर की सलाह से ही यूज़ करें। ऐसी कंडीशन में साइड इफ़ेक्ट आ जाते हैं, तो आप डॉक्टर की सलाह से ही यूज़ करें। तो ये थे इसके कुछ प्रिकॉशंस। अब बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट के बारे में। कॉमन साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो फटीग, वीकनेस, डिजीनेस, इस तरह के कॉमन साइड इफ़ेक्ट सामने आ जाते हैं। उम्मीद करता हूँ पूरी जानकारी आपकी समझ में आ गई होगी। तो ये थी लियोफोन 10 mg टैबलेट से रिलेटेड कुछ जानकारी। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।